तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया में बहुत ही तगड़ा स्कैम चल रहा है जिसमें आप जो एक कोड डाल करके, सिर्फ एक कोड डालेंगे तो आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं शुभ और आप देख रहे हैं शिव जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हैकर की तरफ से एक कॉल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड जो है दुगनी कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है हैकर की तरफ से एक कोड डायल करने को बोलता है। तो यहाँ पर जो लोग लालच में आकर के इस कोड को जो है डायल कर देते हैं और यहाँ पर जो है उनका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। यहाँ पर आपको बताना होगा, जैसे ही आप जो इस कोड को डायल करते हैं तो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग लग जाती है हैकर के मोबाइल नंबर पर। जितनी भी आपके नंबर पर कॉल आएंगी वो सारी की सारी हैकर अटेंड करने वाला है। यहाँ पर जो आपको कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है देखने को नहीं मिलता है कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग पर लगी है या नहीं, तो इसी का फायदा उठाकर कि हैकर आपका जो है व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से एक व्हाट्सएप हैक होता है। तो यहाँ पर जो है वो हैकर आपका मोबाइल नंबर डालेगा, जैसे यहाँ पर जो वो हैकर आपका मोबाइल नंबर डालेगा और यहाँ पर जैसे जो है नेक्स्ट के बटन पर जो क्लिक करेगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, क्योंकि OTP आपके ही मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा। बाकी आपकी जो कॉल होती है, जी फ्रेंड्स, यहाँ पर दो तरीके से OTP रिसीव किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको SMS के थ्रू आपको OTP रिसीव होता है और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा होगा नीचे की तरफ कॉल के थ्रू भी यहाँ पर OTP रिसीव होता है। अब यहाँ पर जो हैकर कॉल मी ऑप्शन का यूज करके जो भी आपके पास जितनी भी कॉल्स आती हैं वो हैकर के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आपके मोबाइल नंबर पर लगा हुआ है। इस वजह से जो भी OTP कॉल के थ्रू आएगा वो हैकर के पास पहुँच जाएगा। इस तरीके का यूज करके जो है हैकर आपका व्हाट्सएप हैक कर सकता है। तो इस तरीके का इंडिया में बहुत ही तगड़ा स्कैम चल रहा है। जी फ्रेंड्स, इस तरीके का कोई भी अगर आपके पास कॉल आता है तो आप उसे अवॉइड करिएगा और सतर्क रहिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बस इतना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।